सब्सक्राइब कीजिए एमडीएम टीच चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइज आज ही मेरे पास ओप्पो का फोन और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो फोन के कंट्रोल सेंटर आइकन के चेंज करने के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए मैं अपने फोन के मतलब कंट्रोल सेंटर ऑन कर चुका हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के जितने भी आइकन्स हैं यहाँ पे नॉर्मल है जैसे कि आपको डिफॉल्ट आपके फोन पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके ही फोन पे इस तरह लेकिन आप इसको चेंज करना चाहते हो आइकन को आप अपने कंट्रोल सेंटर के आइकन को चेंज करना चाहते हो तो सब कुछ कर पाओगे आज की इस वीडियो को देखने के बाद। रिक्वेस्ट इतना करूँगा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना क्योंकि आपको इस समय ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं यूज़ करता हूँ ओप्पो A9 2020 और यहाँ पे देख लीजिए मेरा ओप्पो A9 2020 का फोन है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं किससे बता देता हूँ तो इसको इनेबल करने के लिए चेंज करने के लिए सबसे पहले अपन आपके फोन के सेटिंग पे चाहे आपका ओप्पो का कोई भी फोन हो लेकिन हाँ आपके फोन पे जो है चेक कर लेना। अगर आपके फोन पे वाले सेटिंग है तो आप अच्छी बातें कर पाओगे, अगर आपके फोन पे वाले सेटिंग नहीं है तो आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, ये आप नहीं कर सकते। तो गाइस सब सेटिंग का आना है, सेटिंग के आने के बाद आपके सामने एक सेटिंग आता है जिसका नाम है पर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला जो सेटिंग ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है नोटिफिकेशन ड्रावर, ठीक है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला सेटिंग ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको छह ही स्टाइल मिलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए गौर से, ठीक है। आपके यहाँ पे मिलेगा सेव, मतलब सेव में आपको छह ही स्टाइल देखने को मिलेंगे, आप जो चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो मेरा नॉर्मल सा ये है लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँगा ये वाला को लेने क्योंकि भाई गाइस ये वाला मुझको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला जो स्टाइल है ना मुझको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तब यहाँ पे जो भी चाहे आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 6 डिजाइन है, आपको जिस तरह चाहे ले लेना है, ये वाला है। आप यहाँ पे देख लीजिए चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं जिस फोन पे ये वाला नहीं देखने को मिलता है वो क्या करेंगे। तो गाइस अगर आपके भी ओप्पो का फोन है लेकिन आपको ये वाला सेटिंग देखने को नहीं मिला तो गाइस आपको तब मिलेगा जब आपके फोन पे एंड्रॉइड 11 का अपडेट आ जाएगा। अगर आपके फोन पे एंड्रॉइड 11 का अपडेट है तो आपके फोन पे देखने को मिलेगा, अगर आपके फोन पे एंड्रॉइड 9 या फिर एंड्रॉइड 10 है तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मैं चेंज कर चुका हूँ मेरे फोन पे, यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन आइकन्स हैं यहाँ पे सब कुछ मतलब कंट्रोल्स आइकन है यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गए हैं। तो आप देख लीजिए इस तरह इजीली कर पाओगे। आई आपको आपको वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना। और बात है गाइस और यहाँ पे जो एप्लीकेशन आइकन आप जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन आइकन भी चेंज कर रखे हैं। अगर आपको आपके फोन के एप्लीकेशन आइकन भी चेंज करनी है तो मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में या फिर आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइस आज के लिए इतना, फिर मैं न्यू नेक्स्ट वीडियो साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।